अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हो गाइस? आज हम बना रहे हैं आलू और ब्रेड से स्नैक्स बना रहे हैं जो कि नहायत अच्छे और खूबसूरत होते हैं और बच्चों की फेवरेट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने आलू को बॉईल किया है, अब हम इसको कद्दूकश करेंगे। ये इतनी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। सो गाइस, हमने आलू को कद्दूकश किया है, अब उसमें हम डालेंगे एक अदद प्याज, जो कि हम इसको भी कद्दूकश करने वाले हैं। हाथों से इतने छोटे छोटे नहीं होते। सो गाइस, हमने प्याज को छोटे छोटे टुकड़े करके अब इससे पानी निचोड़ेंगे इस तरह। देखो हमारा पानी निकले। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ब्रेड डालेंगे। हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, इसको ऐड करेंगे इसके अंदर। आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ ब्रेड इसलिए यूज किया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसे मैं ऐड करूंगी मैं मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक। ये हमने ब्रेड से जो किनारे होते हैं वो निकाले, इसके ब्रेड गरम बनाया। अंडे को मिक्स करेंगे। चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड करेंगे और चुटकी भर जीरा इसमें ऐड करेंगे। हाथों में थोड़ा ऑयल लगाएं। इस तरह इसकी शेप बनाएं। इस तरह करें। अब एक ढक्कन ले और इसके ऊपर इस तरह शेप बनाए। अब सारे इसी तरह बनाएं। हमारा स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने ऑयल डाला ताकि गर्म हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं। Thank you.
देखो हमारी प्यारी प्यारी स्नैक्स रेडी हो चुकी है। खुशबू भी बहुत प्यारी है। देखो गाइस हमारा स्नैक्स रेडी हो चुका है। देखो ये इतनी क्रंची क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स तैयार हो चुकी है। अगर आप भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। अगर अचानक मेहमान आ जाए तो ये रेसिपी बिल्कुल आसान होती है। अगर एक बार बनाए तो आप बार बार इसको बनाएंगे, ये इतनी टेस्टी और क्रिस्पी होती है।